हेलो एवरीवन, मैं राकेश, एचएस मेंस का GS2 यूनिट 3 एंड सब यूनिट 2 का एक छोटा सा सेक्शन लेकर इंडियन डायस्पोरा पर आपके सामने उपस्थित हूँ। आर्ट एंड कल्चर का हम एक डिटेल में देख चुके हैं एक वीडियो, ये है इंडियन डायस्पोरा पर एक छोटा सा सेक्शन। इसमें हम इंडियन डायस्पोरा, उसका इम्पोर्टेंस, उसका रोल और इसके संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा एग्जाम्स में। इंडियन डायस्पोरा होता क्या है? इट रेफर्स टू दोज पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड दिस इंक्लूड्स नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आज लेटेस्ट अगर आंकड़ों को देखें तो लगभग 30 मिलियन भारतीय लोग हैं जो बाहर की देशों में रह रहे हैं। और भारत 9 जनवरी को मनाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे और इस दिन को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस इन द नेम ऑफ इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये शुरू हुआ था 2003 में, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। देन दिस ईयर 2020 में हमने मनाया 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। देन इसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिए जाते हैं हमारे प्रेजिडेंट द्वारा टू NRIs और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और एनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश बाय देम हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन सपोर्टिंग, प्रमोटिंग एंड बिल्डिंग इंडियाज लिंक्स ओवरसीज। रोल क्या है इंडियन डायस्पोरा का डेवलपमेंट में? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को। हाउडी मोदी हाउस्टन का कार्यक्रम, देन बैंकॉक का स्वाजी मोदी कार्यक्रम, ये जीवंत उदाहरण है इसके। राष्ट्रदूत कहते हैं वो हमारे इंडियन डायस्पोरा को। इसके अलावा जब भी वो ओवरसीज विजिट करते हैं वो हमारे लोगों को वहाँ पर एड्रेस ज़रूर करते हैं। इंडियन डायस्पोरा प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन इंडियन डेवलपमेंट एट ऑल लेवल्स, लेट इट बी पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। पॉलिटिकल लेवल पे दे एक्ट एज लिंक और ब्रिज बिल्डर्स बिटवीन द होस्ट एंड द होम कंट्री, इंडिया और उस कंट्री में जहाँ पर वो रह रहे हैं उसके बीच में एक ब्रिज बिल्डर का काम करते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉर्डियल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज एट ऑल लेवल्स, पर्टिकुलरली एट पॉलिटिकल फ्रंट। कल्चरली वो फॉरन सॉइल पे हमारी कल्चर को जीवंत रखे हुए हैं, वहाँ पर हमारी सारी एक्टिविटीज, हमारे सारे टाइप के जो कल्चरल इवेंट्स हैं उनको वो वहाँ पर भी मनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सोशली दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। देन देर आर वेरियस फोरम्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस वर्किंग टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड राइट्स ऑफ इंडियंस देयर, जहाँ पर वो रह रहे हैं। अवर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक कोट दिया था कि माइग्रेशन ऑफ द एजुकेटेड हैज़ ब्रॉट लॉरल्स टू इंडिया। देन इकोनॉमिकली रेमिटेंस सेंड बाय इंडियन डायस्पोरा क्लोज टू 79 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली $80 बिलियन US डॉलर। ये वर्ल्ड बैंक ने 2018 में आंकड़े दिए थे कि हमारा जो रेमिटेंस है वो दुनिया में सबसे अधिक है, लगभग 79 बिलियन US डॉलर। देन दिस इज़ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दिस हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इसके अलावा NRIs बहुत अधिक डोनेशंस देते हैं हमारी डोमेस्टिक चैरिटीज़ को एंड दे एक्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज, फैसिलिटेटिंग एंड इन्हेंसिंग इन्वेस्टमेंट, एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बूस्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म। माइग्रेशन ऑफ अनस्किल्ड लेबर हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन ब्रिंकिंग डाउन डिसगस्ट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये एक टाइप होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का एक टाइप है हिडन और डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इसे मैं एक इजी तरीके से समझा देता हूँ। ये हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, ये हमारा खेत है, अगर यहाँ पर दो लोगों का काम है तो इसके अलावा यहाँ पर लगभग मान लीजिए कि 5 लोग और काम कर रहे हैं, कुल 7 लोग काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट केवल 2 लोगों को दिया जाएगा, माना जाएगा, और ये जो बाकी लोग बच गए ये माने जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट। एंड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड हिडन और डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा NRIs और PIOs जब भी हमारी कोई कैलामिटीज़ आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं, तो बहुत अधिक हमें हेल्प करते हैं फिजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। देन रेमिटेंस जो मैं अभी बात कर रहा था, 2018 के आंकड़ों के अनुसार लगभग $79 बिलियन रेमिटेंस भेजा गया था भारतीयों द्वारा वापस अपने देश में, और ये था दुनिया में सबसे अधिक। 56% गल्फ कंट्रीज से ही आता है, और रिसेंटली सेकेंड लार्जेस्ट रेमिटेंस नॉर्थ अमेरिका से आना शुरू हुआ, 21% रेमिटेंस का शेयर। रेमिटेंस वर एस्टिमेटेड टू ड्रॉप फ्रॉम 2019 फाइनेंशियल ईयर 2.9% टू 2020 में 2.3% और आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 2%। रीजंस कई हैं, देन लो अर्निंग इन गल्फ कंट्रीज ड्यू टू फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये सब इसके रीजंस हैं, गल्फ कंट्रीज के इश्यूज हैं कुछ।
फॉर रेमिटेंस टू स्टे हेल्दी बोथ ऑयल प्राइसिस एंड द ग्लोबल इकोनॉमी मस्ट शो इम्प्रूवमेंट साइमल्टेनियसली. सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेमिटेंस मेजर सोर्स है फॉरन एक्सचेंज का, देन इट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में, सोर्स एरिया की उनके द्वारा भेजा गया जो पैसा है वो यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन में, मैरिजेज ऑफ चिल्ड्रंस, एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, देन डेब्ट रेमिटेंस, देन ट्रीटमेंट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में काम आता है. पुअर इकोनॉमीज में रेमिटेंस वर्क्स एज लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमीज. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है हमारे इंडियन डायस्पोरा के लिए? प्रवासी कौशल विकास योजना है, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ दिए गए हैं. स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके अलावा, पर एनम हर साल 1000 स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ रहे PIOs और NRIs स्टूडेंट्स को. नो इंडिया प्रोग्राम है टू फेमिलाइज इंडियन ऑरिजिन यूथ फ्रॉम 18 to 30 ईयर्स विद देयर इंडियन रूट्स. सीट्स आर रिजर्व फॉर NRI स्टूडेंट्स इन ऑल मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस. कंसेशंस एंड टैक्स रिबेट्स आर गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. प्रॉक्सी वोटिंग ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट आया था, उसमें प्रॉक्सी वोटिंग को अलाउ कर दिया गया NRIs के लिए. मदद पोर्टल है इसके अलावा, ई माइग्रेशन सिस्टम है, ये सब इनकी ईज के लिए बनाए गए हैं. इश्यूज, रेमिटेंस नॉट ऑलवेज यूज एज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, नॉट ऑलवेज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, कभी कभी गलत चीज़ों में भी इसका यूज़ हो जाता है. और होस्ट कंट्रीज़ में हेट स्पीच और क्राइम्स देखे गए हैं इनके ऊपर. देन एंटी ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू लॉस ऑफ जॉब, स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल्स इन कंट्रीज़ जहाँ पर ये रह रहे हैं. लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन इंडिया, अगर यहाँ से सारा प्रोफेशन अच्छे अच्छे प्रोफेशनलिस्ट चले जाएंगे प्रोफेशनल्स तो इंडिया में उनकी कमी हो जाएगी. वे अहेड प्रोफेशनल्स के लिए कुछ ऐसे रूल्स बने कि वो कम से कम कुछ निश्चित समय के लिए भारत में भी सेवा दे सकें. देन इनेबल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ NRIs, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसीजरल ईज होनी चाहिए और इसके अलावा सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो इनका काम इनके बारे में ही देखे NRIs को कैसे हम यूज़ कर सकें, NRIs का इंडियन डायस्पोरा का यूज़ हमारी हमारी नेशन की ग्रोथ में कैसे हो सके. सो दिस वॉज अ शॉर्ट लेक्चर, आई होप कि आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा. और अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट लगे, कुछ भी इशू हो, कुछ भी आपको बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग.